जोश है कि इस तरीके की अश्लील बातें करके लोगों को उकसाने का काम करते हैं, और ये लोग इस तरीके से बातें करते हैं कि कोई कहता है शूद्र डोल गंवार शुद्ध पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी और सर श्रीवास्तव जी कहते हैं डोल गंवार शुद्ध पशु नारी, ये सब पीटन के अधिकारी। आज देश को आजाद हुए 70-72 साल हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी इनकी मानसिक स्थिति क्या है ये आप देख रहे हैं युवा लोगों के माध्यम से। एक हमारे कवि हैं, ये युवा कवि आजाद, मैं इनसे पूछूंगा, युवा हैं आप कवि हैं और आपके ये एक सहपाठी इस तरीके की बकवास करते हैं, उसका क्या कहेंगे आप? सर मैं कहना चाहूंगा ये जो मनुस्मृति है इसी की देन है कि इस देश में भाजपा समर्थित दबाव का उदय हो रहा है। पहले राम रहीम जैसे कि अभी लेटेस्ट पकड़े गए हैं, आसाराम, रामपाल, और अब एक नया बाबा सामने आया है जो अपने आप को कृष्ण बता रहा है और बहुजन समाज के और सभी समाज की बहन बेटियों का बलात्कार करता था, और इसी मनुस्मृति की देन है कि उसकी विचारधारा इस तरह की थी, अध्यात्म के नाम पर बच्चियों का, महिलाओं का बलात्कार करता था, और सभी राज्यों में उसके आश्रम पकड़े जा रहे हैं, छानबीन कर रही है पुलिस, लेकिन वहाँ पर तहखाने मिल रहे हैं, आश्रम नाम का कोई चीज़ नहीं है, ऐशो आराम की अय्याशी की सारी चीज़ें पकड़ी गई हैं, और वो देखो किस तरह से, वो 16 से उसकी इच्छा क्या थी, कृष्ण बनना चाह रहा था, अय्याशी इस तरह से भगवान के नाम पर या किसी के भी नाम पर बहुजन समाज या सभी समाज की बेटियों के साथ बलात्कार ये हो रहा है। तो हम चाहेंगे ये सरकार जो है इस तरह के बाबाओं को बिल्कुल बैन कर दे, उनको जिस तरह के आश्रम में खुलवाना बंद कर दे, और मनुस्मृति की जो विचारधारा है उनको बिल्कुल बंद करे, क्योंकि क्या अगर जो मनुस्मृति को समर्थित करते हैं अगर वो सच में मनुस्मृति का पालन करते हैं तो वो अपनी बहन बेटियों को क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों मनुस्मृति के तहत काम नहीं कर रहे हैं, क्यों महिलाओं को वो आगे बढ़ा रहे हैं? बाबा साहब ने मनुस्मृति को फूंक कर बहुजन समाज की महिला बेटियों और को अधिकार ही नहीं दिया था, सभी को दिया था, महिलाएं सभी के घर में है, सवर्ण हो, मुस्लिम हो, दलित हो, बहुजन हो, कोई भी हो, हम नहीं चाहते कि इस तरह के बाबा पनपे और उनको पुलिस संरक्षण दे और अय्याशी करे वो, और महिलाओं का दमन हो। आज महिलाएं हमारी पुलिस में भी खड़ी हैं, सब्जी के खड़ी हैं, इधर भी खड़ी हैं, तो ये किस कारण है? ये संविधान की देन है। अगर मनुस्मृति लागू होता तो महिलाएं इसी तरह से इन लोगों की अय्याशी का ठिकाना बनती, अय्याशी का मुख्य साधन बनती, जैसा कि प्राचीन काल में भी होता आ रहा है मनुस्मृति के द्वारा। हम चाहते हैं मनुस्मृति बैन हो और संविधान पूरी तरह लागू हो और बहुजन समाज को आगे बढ़ाया जाए, सभी क्षेत्रों में अधिकार दिलाया जाए, जो बहुजन समाज का आरक्षण पूरी तरह लागू नहीं है उसको लागू किया जाए, बहुजन समाज की सहभागिता हर क्षेत्र में होनी चाहिए, और ऐसे बाबाओं को सालों के गले में जूती चप्पलों की माला डालकर मुंह काला करके उनको आजाद कर दम दी, ज्यादा बात नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बाबा हैं ये आपको बुलाने नहीं आते, आपके घर की बहन बेटियों को बुलाने नहीं आते, क्या कारण है कि आप लोगों की बहन बेटियां वहां जाती हैं? जी मैं वही कहना चाहूंगा, कुछ मानसिकता लोग जिन्होंने बाबा साहब को नहीं पढ़ा है और मनुस्मृति को फॉलो करते हैं आज भी अंधविश्वास पर टिके हुए हैं, अपनी बहन बेटियों को आश्रमों में भेज देते हैं अध्यात्म के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे, क्या वो अपनी जब पैदा कर सकते हैं अपनी बहन बेटियों को, क्या वो पढ़ाने में सक्षम नहीं है? क्यों भेजते हैं किसी के पास? अरे क्यों पैदा करते हो इस तरह से, जब अपनी बहन बेटियों को पढ़ा नहीं सकते, दूसरे बाबाओं के लिए अय्याशी के लिए छोड़ देते हो? इस तरह के बाबा पनपते रहेंगे जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, संविधान को नहीं पढ़ेगा, बाबा साहब को नहीं पढ़ेगा, गौतम बुद्ध को नहीं पढ़ेगा।